कॉलोनियों के खिलाफ बहुत सख्त हैं और आजकल इसलिए प्रशासन के लोग भी इस पर सख्ती कर रहे हैं, और इसी कड़ी में भोपाल कलेक्टर का डंडा लगातार अवैध कॉलोनियों पर सख्त नजर आ रहा है। बता दें कि अभी हाल में ही भोपाल की 5 कॉलोनियों पर क्रय विक्रय और नामांतरण पर भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने रोक लगाई थी। जुबेर खान की एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको दिखाते हैं। भोपाल में अवैध कॉलोनियों का गोरख धंधा बड़े जोरों से चल रहा है और इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी डंडा जोरों से चल रहा है और प्रशासन सख्त बना हुआ है। बेरसिया रोड, रायसेन रोड, सीहोर रोड और आगे अंदर ग्रामों में भी अवैध कॉलोनियों का गोरख धंधा चल रहा है और भोली भाली जनता को चूना लगाया जा रहा है। इसी क्रम में हम भोपाल के बेरसिया रोड पर हजारों कॉलोनी कटी, हमने कॉलोनी वालों से जानने की कोशिश करी कि अवैध कॉलोनी है आप काट रहे हो, तो उनका भी ये कहना है कि हम डायवर्शन करा के कॉलोनी काटते हैं और हम अकेले नहीं काट रहे और सभी लोग काट रहे हैं। अब हम ऐसे कॉलोनी में खड़े हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइवर्टेड कॉलोनी सरदार सिटी, ऐसा ये गेट बना है, आप ये देख सकते हैं, आप मेरा कैमरा मैन से बराजर ये देख सकते हैं आप, अब खम्भे लगे हैं, बिजली की व्यवस्था है, रोड बने हुए हैं। इसमें आपको एक ख़ास बात बता दूं मैं अपने दर्शकों को कि इसमें डायवर्शन करा के कॉलोनी बेचते जो लोग हैं वो अवैध की श्रेणी में आता है। वैध की श्रेणी में TNCP होती है, उसके बाद कलेक्टर की विकास अनुमति होती है और उसके बाद रेरा होता है, वो उसको वैध कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हज़ारों कॉलोनी हज़ारों प्लाट अवैध बेच दिए जा रहे हैं और इनका इनको किसी का भी खौफ नहीं है। अब देखना ये होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सख्त हैं तो प्रशासन आगे और भी कार्रवाई क्या करता है। जुबेर कुरैशी, इंडिया न्यूज़, भोपाल। तो अवैध कॉलोनी पर हो रही इस कार्रवाई को लेकर कलेक्टर के साथ भी हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशा पर ये काम कर रहे हैं और अवैध कॉलोनियों में हड़कंप सा मचा हुआ है। अवैध कॉलोनियों में इन्होंने कार्रवाई की, लेकिन ये इतने बड़े स्तर पे हो रहा है तो इनसे अभी तक क्या कार्रवाई करी और आगे क्या आपकी रणनीति है? भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कलेक्टर साहब, ये देखिए, अवैध कॉलोनियों के लिए हमने कार्य योजना पूरी बना ली है और अभी 6 कॉलोनियों पे हमने जो है इनिशियल नोटिस दिया है और अभी जो वो जमीन बेच रहे थे, खरीद रहे थे, उस पर रोक लगा दी है। अब उसके बाद सुनवाई करके उनका निर्णय करेंगे, अगर जरूरत पड़े FIR कराएंगे और जो अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा तो हम उन जमीनों का अधिग्रहण करके और फिर लोकल बॉडीज के माध्यम से उन कॉलोनियों का डेवलपमेंट कराएंगे। तो इस तरीके से हमने कठोर एक्शन लिया है और ये लगातार जारी रहेगा। जिन पे अपने कार्रवाई करी है वहाँ पे मौके पर काम चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। देखिए क्या है, अब हमने चूंकि उसके खरीद बिक्री पे रोक लगा दी उन खसरा नंबर पे, तो अब अगर वो ना उसको खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, अगर वो अवैध कॉलोनी है केवल, अब वो हम अधिग्रहण कर लेंगे उसका, तो इससे क्या है कि कॉलोनाइजर लोग हतोत्साहित होंगे। अच्छा, फार्म हाउस की बात आती है, एड करते हैं फार्म हाउस वाले कि हम फार्म हाउस में ऐसा दे रहा है वैसा दे रहा है बड़े स्तर पे, जबकि फार्म हाउस का नियम ये है कि 1 एकड़ से तो क्या है, ये हम सभी लोगों को जागरूक करने के लिए अभी इसका अभियान चलाएंगे कि कोई भी ऐसी परमिशन, कोई भी ऐसी जो रूल में नहीं है, अगर कोई आपको लालच दे वो दे तो वहाँ नहीं जाना है और अपने को एकदम विधिक रूप से जहाँ जितने नियम है उतने का ही फार्म हाउस हम खरीद सकते हैं। तो ये हम एक जागरूकता भी चलाएंगे और जो लोग ऐसा करेंगे उन पर कार्रवाई भी करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर अवैध कॉलोनी प्रदेश भर में कटी या उसमें कोई पटवारी तहसीलदार उसमें पाया गया तो हम सख्त कदम उठाएंगे और अवैध कॉलोनी हम नहीं कटने देंगे। तो एकदम मध्य प्रदेश में सबसे पहले आपने इस पे तो एकदम हम इस पे कार्रवाई करेंगे और अभी चुनाव की आचार संहिता पूरी होने के बाद ये काम और गति पकड़ेगा और अगर कोई हमें रिपोर्ट नहीं करेगा रेवेन्यू तो। इंदौर से खबर है।